हेलो 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 गैस, कैसे हो आप लोग? तो गैस वापस से मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ। और गैस देखो, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग बात करने वाला हूँ EOMP 42.0 के बारे में कि गैस ये वाला गन स्किन कितना करके सामने वाले बंदे के ऊपर डैमेज देता है। मतलब कि यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को यहाँ पे इस गन स्किन को पूरा यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। इस गन स्किन का डैमेज रिव्यू, इस गन स्किन का गेम प्ले आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग इस गन स्किन को लेने जाते हो तो आप लोग के कितने डायमंड लगेंगे और इस गन स्किन को पूरा मैक्स अपग्रेड करने के लिए आप लोग को टोटल कितने टोकन लगेंगे। यानी कि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे न्यू वाला MP40 आप लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस गन स्किन को निकालने में कितने डायमंड खर्च हो जाएंगे, मतलब कि यार पूरा कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को देने वाला हूँ। और गैस वैसे तो यार ये वाला गन स्किन अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आया है, लेकिन गैस अगर ये वाला गन स्किन गेम के अंदर आ चुका है और गैस उसके बाद तुम लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो तब पर भी गैस ये वाला वीडियो तुम लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि गैस यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे इस ईओ गन स्किन को फुल मैक्स अपग्रेड करके दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ इस गन स्किन का डैमेज रिव्यू भी देने वाला हूँ। ये हुई ना बात। तो गैस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम लोग को ऊपर 2170 टोकन दिखाई दे रहे हैं इस गन स्किन को अपग्रेड करने के लिए। तो गैस यहाँ पे इस गन स्किन को अपग्रेड करने में भाई कितने ज्यादा यहाँ पे टोकन लगेंगे और गैस उस टोकन को लेने में तुम्हारे यहाँ पे कितने हजार डायमंड लगेंगे, ये तो गैस मैं तुम लोग को वीडियो के एंड में काउंट करके बताऊंगा। बट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई, यहाँ पे आप लोग को लेवल 7 पे एक बहुत ही कमाल का इमोट देखने के लिए मिल जाता है। पर्सनली मुझे ये वाला इमोट काफी ज्यादा ओपी लग रहा है दिखने में। और गैस इसके अलावा अगर तुम लोग यहाँ पे लेवल 8 पे आते हो तो गैस यहाँ पे लेवल 8 पे आने के बाद जैसे कि यार M1040 के अंदर मतलब आप तुम लोग को देखने के लिए मिलता था एकदम लास्ट एनिमी को किल करो और एकदम अलग तरह का इमोट देखने के लिए मिलता था, वैसा ही तुम लोग को कुछ यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा लेवल 8 के ऊपर जब ये वाला गन स्किन अपग्रेड रहेगा तब। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो ये वाला गन स्किन लेवल 2 पे है और गैस यहाँ पे लेवल 2 को इसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे कितने टोकन लगे, 30 टोकन लगे लेवल 2 को अपग्रेड करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो लेवल 3 को ये वाला अपग्रेड हो गया और गैस यहाँ पे लेवल 3 पे अपग्रेड होने के लिए 60 टोकन लगे। यहाँ पे लेवल 4 देख सकते हो, लेवल 4 पे अपग्रेड होने के लिए 120 टोकन लगे भाई। और गैस यहाँ पे लेवल 5 पे यहाँ पे 260 टोकन लगे तब जाके वाला गन स्किन अपग्रेड हुआ। और गैस यहाँ पे लेवल 5 पे आप लोग को यहाँ पे हीट इफेक्ट और फायर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे इस गन स्किन न्यू लुक चेंज हो जाएगा लेवल 5 में। मतलब क्या, लेवल 5 पे आप लोग को एक न्यू लुक देखने के लिए मिल जाएगा। लेवल 6 की बात करता हूं तो गाइस यहां पे लेवल 6 पे भी आप लोग को एक न्यू लुक देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट यहां लेवल 7 की बात करते हैं तो गाइस यहां पे लेवल 7 पे आप लोग को 600 टोकन लगेंगे इस गन स्किन को लेवल 7 तक अपग्रेड करने में। लेवल 7 पे आप लोग को इमोट देखने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हो ये रहा इमोट। और गाइस अब यहां पे फाइनली बात करते हैं लेवल 8 पे, तो गाइस यहां पे देख सकते हो लेवल 8 को आप लोग इस गन स्किन को जब अपग्रेड करने जाओगे लेवल 8 पे तो गाइस यहां पे टोटल आप लोग को 700 डायमंड लगेंगे, यानी कि गैस 700 डायमंड लगेंगे उसके बाद ये वाला गन स्किन लेवल 8 तक अपग्रेड होगा। तो भाई चलो अब तुम लोग दिल पे अपने हाथ रख लो और गैस मैं यहाँ पर टोटल बताने वाला हूँ कि यार टोटल कितने टोकन लगे। तो गैस यहाँ पर टोटल इस गन स्किन को लेवल 8 तक अपग्रेड करने पे ज्यादा नहीं भाई, मतलब कि यार 2170 टोकन लगे। 2170 टोकन, क्या बात करता है यार भाई। देखो यार अब जो है सो है यार, इस गन स्किन को फुल अपग्रेड करने में तुम लोग को यहाँ पे 1217 टोकन, सॉरी यहाँ पे 70 टोकन लगेंगे इस गन स्किन को अगर आप लोग मैक्स लेवल तक अपग्रेड करते हो तो। उसके अलावा अगर बात करता हूँ इस गन स्किन के डैमेज रिव्यू का, तो गैस यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा गन स्किन और गैस हम लोग यहाँ पे हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर। तो गैस ये वाला गन स्किन अगर सामने वाले बंदे के ऊपर फायर करते हैं तो देख सकते हो विदाउट वेस्ट ये वाला गन स्किन सामने वाले बंदे के बॉडी के ऊपर 25 करके आप लोग का बॉडी डैमेज निकाल के देता है और गैस यहाँ पे 137 का हेड शॉट निकाल के देता है। मतलब क्या, इसके अंदर आप लोग को डैमेज नॉर्मल ही देखने के लिए मिलेगा, जितना कि आप लोग को एक नॉर्मल MP40 के अंदर देखने के लिए मिलता है, समझे। यहाँ पे डैमेज नॉर्मल ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गैस यहाँ पे आर्मर पैंट्स आप लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, रेट ऑफ फायर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब भाई तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये वाला गन स्किन क्या कोबरा MP40 से अच्छा है, क्योंकि गैस अगर बात आता है कोबरा MP40 का तो भाई यहाँ पे देख ही लो ये रहा गन स्किन, कोबरा गन स्किन और गैस सामने बंदा ओ हो हो भाई ओनली फॉर डेड। यहाँ पे एक और बंदा है भाई, यहाँ पे इसको दो दो हेड, यहाँ पे एक और बंदा है, तो गैस इसने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, मैं यहाँ पे आधा से ज्यादा डैमेज हूँ। इस बंदे को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, दो बंदे को नॉक कर दिया था और देख सकते हो यहाँ पे हमने तीन बंदों को लपेट लिया कोबरा MP40 से, दो को बहुत तगड़े वाले हेड लगे बट यहाँ पे एक को सिर्फ बॉडी लगा। तो गैस ये था हमारा कोबरा MP40, अगर आप लोग सही से यूज करते हो तो भाई रेड नंबर से भर देगा सामने वाले बंदे को। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो गाइस देखो, अब मुझे पता कि यार तुम लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे गेमर भाई मुझे यहाँ पे दोनों गन स्किन को कंपेयर करके दिखाएंगे। तो गाइस मैं तुम लोग को कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो गाइस इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और गाइस चैनल पे अगर नए आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तभी मैं आप लोग को दोनों गन स्किन का कंपैरिजन दिखाऊंगा। सही बात है। देखो यार अभी तक तुम लोग देख ही रहे हो वीडियो को, तो गाइस जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल पे अगर नए हो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी तो गाइस कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा। तब चलो यहाँ पर तुम लोग कह ही रहे हो, तो गाइस दोनों गन स्किन को हम लोग यहाँ पे कंपेयर भी करते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ दोनों गन स्किन के एट्रीब्यूट्स का, तो गाइस यहाँ पे कोबरा गन स्किन के अंदर आप लोग को डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर और रिलोड स्पीड सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। वहीं पे आप लोग को ईओ गन स्किन 2.0 के अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है, सिंगल आर्मर पैंट्स में देखने को मिलता है और गाइस यहाँ पे मूवमेंट स्पीड आप लोग को सिंगल माइनस में देखने के लिए मिलता है। तो गाइस चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कोबरा गन स्किन का डैमेज दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर आप लोग को डबल डैमेज अपने देखने के लिए मिलता है। तो गाइस यहाँ पे मैं सामने वाले बंदे को ऊपर फायर कर रहा हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को 27 करके बॉडी डैमेज देखने के लिए मिल जाता है और गाइस यहाँ पे आप लोग को 148 का हेड शॉट देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे डबल डैमेज होने के कारण यार डैमेज काफी ज्यादा अच्छा है कोबरा गन स्किन का, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे लेवल 4 का ही है। और गाइस यहाँ पे अब देख सकते हो 2.0 ईओ गन स्किन जो कि यार यहाँ पे लेवल 8 का है। और देख सकते हो बॉडी डैमेज का अगर बात करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को 25 करके बॉडी डैमेज देखने के लिए मिल जाता है और गाइस यहाँ पे 137 करके आप लोग को हेड शॉट देखने के लिए मिल जाता है ईओ गन स्किन 2.0 से, वो भी लेवल 8 का। अरे देवा। तो गाइस चलो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आर्मर पेनेट्रेशन का। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कोबरा गन स्किन है, इसके अंदर आप लोग को नॉर्मल आर्मर पेनेट्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर कोबरा गन स्किन आप लोग को 9 करके डैमेज निकाल के देता है लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर। और गाइस यहाँ पे लेवल 3 के हेलमेट के ऊपर 61 करके आप लोग को यहाँ पे हेडशॉट निकाल के देगा। यहाँ पे अगर बॉडी का बात करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे पैर के ऊपर 20 करके डैमेज निकाल के दे रहा है, मतलब कि यार यहाँ पे बॉडी के ऊपर अच्छा डैमेज है, वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे कम डैमेज मेरे को लग रहा है। तो गाइस चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हमारा ईओ गन स्किन 2.0 का। तो देख सकते हो यार हमारा ईओ गन स्किन 2.0 जो कि यार यहाँ पे 6 लेवल तक अपग्रेड है। तो गाइस यहाँ पे अगर इस गन स्किन से मैं फायर करता हूँ लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 करके यहाँ पे डैमेज दे रहा है लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर कोबरा गन स्किन, 9 करके डैमेज दे रहा था, 65 करके यहाँ पे हेड शॉट देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे बॉडी यहाँ पे 18 करके देखने के लिए मिल रहा है, जबकि यार कोबरा गन स्किन 20 करके बॉडी दे रहा था। तो गाइस चलो आप नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट और हेलमेट का, और देखते हैं कि भाई यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर और हेलमेट के ऊपर कैसा डैमेज रहता है। तो देख सकते हो ये रहा कोबरा गन स्किन, और गाइस यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर कोबरा गन स्किन आप लोग यहाँ पे 8 करके डैमेज निकाल के दे रहा है लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर। और गाइस अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगर लेवल 4 के हेलमेट का, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लेवल 4 के हेलमेट के ऊपर आप लोग यहाँ पे 56 करके यहाँ पे डैमेज निकाल के देता है। तो गाइस अब यहाँ पे अगर बात करता हूँ यहाँ पे ईओ गन स्किन 2.0 का, जिसके अंदर यार यहाँ पे सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन है। तो गाइस यहाँ पे अगर वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज की बात करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे 9 करके लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर ये वाला गन स्किन डैमेज देता है, कोबरा गन स्किन 8 करके डैमेज दे रहा था। तो गाइस यहाँ पे ईओ गन स्किन 2.0 आप लोग को यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर 9 करके डैमेज निकाल के देता है, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे आर्मर पेनेट्रेशन इसके अंदर है। अगर आप लोग चाहो तो इसके आर्मर पेनेट्रेशन को यहाँ पे डबल भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे अब आप लोग अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे कोबरा गन स्किन और गाइस यहाँ पे ईओ गन स्किन 2.0। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ डैमेज का, तो गाइस यहाँ पे कोबरा गन स्किन के अंदर आप लोग 27 करके डैमेज देखने के लिए मिलता है, 148 करके हेडशॉट देखने के लिए मिलता है। वहीं पे यहाँ पे ईओ गन स्किन 2.0 के अंदर 25 करके डैमेज देखने के लिए मिलता है, और गाइस यहाँ पे 137 का हेडशॉट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करता हूँ लेवल 3 और लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज का, तो देख सकते हो लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर कोबरा गन स्किन 9 करके डैमेज देता है, और गाइस यहाँ पे लेवल 3 हेलमेट के ऊपर 61 करके डैमेज देता है। वहीं पे ईओ गन स्किन लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर 10 करके डैमेज देता है, और गाइस यहाँ पे लेवल 3 के हेलमेट के ऊपर 65 करके डैमेज देता है। यहाँ पर लेवल 4 की बात करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे कोबरा गन स्किन लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर 8 करके डैमेज देता है, और गाइस यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के सॉरी हेलमेट के ऊपर 57 करके यहाँ पे डैमेज देता है। वहीं पे यार ईओ गन स्किन 2.0 लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर 9 करके डैमेज देता है, और गाइस लेवल 4 के हेलमेट के ऊपर 59 करके डैमेज देता है। मतलब कि गाइस यहाँ पे डैमेज आप लोगों को कोबरा गन स्किन के अंदर अच्छा देखने के लिए मिलता है, और गाइस आर्मर पेनेट्रेशन आप लोगों को ईओ गन स्किन 2.0 के अंदर अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो गाइस देखो मैं अगर फाइनली बात करूँ कि भाई यहाँ पे डैमेज यार एक्चुअली में आप लोगों को अच्छा निकाल के देता है कोबरा गन स्किन, और गाइस आर्मर पेनेट्रेशन का अगर बात करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आर्मर पेनेट्रेशन आप लोगों को ईओ गन स्किन 2.0 अच्छा निकाल के देता है। लेकिन गाइस यहाँ पे दिक्कत ये था कि भाई यहाँ पे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डैमेज या आर्मर पेनेट्रेशन। तो गाइस देखो यहाँ पे दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डैमेज एक विदाउट वेस्ट वाले बंदे के ऊपर आप लोग काफी तगड़ा डैमेज दे सकते हो, और गाइस मान लो अगर सामने वाले बंदे ने वेस्ट पहना हुआ है, तो गाइस वहाँ पे आप लोग ईओ गन स्किन 2.0 से उसके ऊपर काफी तगड़ा डैमेज दे सकते हो। तो गाइस यहाँ पे डैमेज और आर्मर पेनेट्रेशन दोनों ही गेम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ रेट ऑफ फायर का, तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को कोबरा गन स्किन के अंदर सिंगल रेट ऑफ फायर दिया जाता है। मतलब कि यार इस गन स्किन को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा, और पता है यार आप लोगों को सिंगल रेट ऑफ फायर वाला MP40 कितना ज़्यादा ओपी चलता है। मतलब कि यार काफ़ी ज़्यादा तगड़े यहाँ पे आप लोग को हेडशॉट निकाल के देता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करता हूँ EO गन स्किन 2.2 का, तो कैसे यहाँ पे आप लोग को इसके अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है। और गैस मैंने अभी तक मतलब कि यार किसी भी MP40 के अंदर डबल रेट ऑफ फायर नहीं देखा है, लेकिन गैस यहाँ पे आप लोग को विंटरलैंड MP40 के अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन गैस उसका रेट ऑफ फायर सिर्फ नाम का है, मतलब यार नाम का डबल रेट ऑफ फायर है, काम का बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गैस यहाँ पे आप लोग को इस EO MP40 2.0 के अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलेगा। और गैस गन स्किन काफी ज्यादा ओपी है, डबल रेट ऑफ फायर है इसके अंदर, सिंगल आर्मर पेंशन है। और गैस अगर आप लोग चाहो तो इसके रेट ऑफ फायर को आप लोग मतलब यार इसके एट्रीब्यूट्स को आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो। मतलब यार चाहो तो सिंगल रेट ऑफ फायर डबल आर्मर पेंशन कर सकते हो, या डबल रेट ऑफ फायर सिंगल आर्मर पेंशन ही रहने दे सकते हो। तो गैस देखो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद मैं आप लोग को फाइनली यही बोलूंगा कि भाई अगर आप लोग पास कोबरा MP40 गन स्किन नहीं है, तो गैस यहाँ पे इस EO गन स्किन 2.0 का आप लोग ले सकते हो। और गैस अगर आप लोग के पास मान लो कोबरा गन स्किन है, और गैस अगर आप लोग इस गन स्किन को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, डबल रेट ऑफ फायर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आर्मर पेंशन भी आप लोग को ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कोबरा गन स्किन से आर्मर पेंशन थोड़ा सा बेटर है। रेट ऑफ फायर की बात करता हूँ तो गैस कोबरा गन स्किन से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो गैस अब आप लोग मुझे बताओ कि गैस यहाँ पे आप लोग के हिसाब से मतलब कि यार आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कि यार कोबरा गन स्किन और गैस यहाँ पे EO गन स्किन 2.0 दोनों में से कौन कितना ज़्यादा बेटर है। मैंने आप लोग को अपना ओपिनियन बता दिया कि भाई दोनों गन स्किन में से EO गन स्किन 2.0 बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो गैस यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि गैस यहाँ पे EO गन स्किन 2.0 गेम के अंदर आएगा तो गैस आप लोग में से कितने बंदे इस गन स्किन को निकालने वाले हो। तो गैस चलो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और गैस देखो यार इस वीडियो को एक फ्रेंड में अपने जरूर शेयर करना, क्योंकि गैस यहाँ पे इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो गैस सोच सकते हो यार एक फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना अपने इस वीडियो को। और गैस मेरे चैनल पे अगर नया आ रहा है तो गैस मुझे भी यार सपोर्ट करो, मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो, मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूँ, और गैस मुझे भी आप लोग के सपोर्ट का भाई बहुत ज़्यादा जरूरत रहता है। तो गैस चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए बाय।